राठौर इस वक्त हमारे साथ हैं। सुरजीत सिंह राठौर वो शख्स हैं जो 15 जून को कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चुरी में तब मौजूद थे जब रिया चक्रवर्ती वहां पर पहुंची थी। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती को यही वो शख्स हैं जो वहां पर उस मॉर्चुरी में लेके गए थे। सुशांत सिंह राजपूत के शव को देखना चाहती थी रिया चक्रवर्ती और राठौर साहब भी लेके गए थे। उनसे जानते हैं कि वहां पर हुआ क्या था और ये वहां पर कैसे पहुंचे थे। राठौर साहब, ये बताइए कि आप वहां पर कूपर हॉस्पिटल में 15 जून को क्यों पहुंचे, किसके साथ पहुंचे थे आप? जी, मैं 15 तारीख को कूपर हॉस्पिटल गया था। मैं अकेला गया था, मेरा ड्राइवर साथ था और मेरा स्पोर्ट बॉय था, ये मुनीर मेरे साथ ही था। मेरे पास फ़ोन आया था 14 तारीख को, हमारे करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका मुझे कॉल आया। और जैसे ही पता चला हम सबको कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है, न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला। जैसे पता चला उनका मुझे कॉल किया कि सुरजीत ये क्या हो गया इंडस्ट्री में, सुशांत ने सुसाइड कर लिया। तो मैंने कहा हाँ, मैंने न्यूज़ में देखा है सुसाइड किया। तो बोला नहीं, आप वो राजपूत है और आपको जाना है वहाँ पर उनके अंतिम यात्रा में। मैं क्या ठीक है, मैं जाऊँगा। तो मैं सुबह 15 तारीख को कूपर हॉस्पिटल में गया और कूपर हॉस्पिटल जब मैं गया तो वहाँ पे कोई नहीं थे, मतलब सिर्फ वो बॉडी रखी हुई थी, न्यूज वाले वहाँ थे और पुलिस वाले लोग थे। मैं गया तो पुलिस वालों ने मुझे पूछा था, प्लस सर आप के क्या सुशांत के रिलेटिव हो क्या? मैं क्या नहीं नहीं। तो कुछ लोग मुझे जानते भी थे कड़ी सेना के माध्यम से और फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक, आप साइड में खड़े हो जाइए। तो मैं जाके साइड में बैठ गया था। आधा पौन घंटा होने के बाद में सूरज सिंह जी जो हैं धोनी एंटरटेनमेंट के, वो वहाँ पे आए थे। और जैसे मैंने उन्होंने मुझे देखा, वो मुझे पहचान गए और मेरे पास आके बोले कि सुरजीत सिंह जी, मैं सूरज सिंह हूँ और आप कड़ी सेना के हो। तो हमारी मुलाकात हुई, मेरी पहली मुलाकात हुई सूरज सिंह जी से हुई। तो सूरज सिंह जी ने मुझे कहा कि यार सुरजीत भाई, रिया चक्रवर्ती यहाँ पर आना चाहती है। तो मैंने कहा भाई, रिया चक्रवर्ती जब आना चाहती है तो आने दीजिए, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बोले मीडिया लो है तो क्या होना। तो बोले पीछे से आएगी, लेकिन वो सुशांत की का शव की वो मतलब अंतिम दर्शन करना चाहती है। तो मैंने कहा अंतिम दर्शन तो वहाँ पवन हंस में जब हम सब लोग चलेंगे, सब लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, तो सब लोग वहीं आ रहे हैं सेलिब्रिटी लोग, मुझे पता चला है। बोला नहीं नहीं वहाँ पर लेके जाएंगे तो उसकी सुशांत की फैमिली वाले उन आने नहीं देंगे, ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे जो मोचरी वाले थे, मैंने उनसे बात की और जो पुलिस का जो वहाँ पे लोग थे उनसे मैंने पूछा कि भैया रिया चक्रवर्ती है जो सुशांत की गर्लफ्रेंड है, ये एक बार अंतिम दर्शन करना चाहती है। तो उन्होंने बोला ठीक, हम देखते हैं। तो फिर वो जो मोचरी वाले जो गार्ड था वो मेरे पास आया कि ठीक है, आप और रिया दोनों चले जाइए, आप जल्दी जाके फटाक से आ जाइए, क्योंकि न्यूज वाले हैं, मीडिया वगैरह सब लोग हैं। तो मैं गया उसके साथ, मैं उसको रिया को, रिया आगे चल रही थी और मैं इसके पीछे पीछे गया था। हम जाके वहाँ पे वो सामने जो मोर्चरी के अंदर जो लड़का रहता है वो बॉडी लेके आया, उस पर थी चेयर पे। और फिर मैंने उसको पर्दा हटाया, सुशांत के जो चेहरे वाला था मैंने हटाया। हटाते ही मैंने देखा तो मतलब मुझे नहीं लगा कि उसने सुसाइड किया है, और मुझे देखना भी था क्योंकि सुसाइड किया है क्या, तो मैं इसलिए मैं अंदर भी गया। तो जैसे मैंने देखा हटाया, और रिया पास में खड़ी थी और मैंने देखा कि यार ये सुसाइड करता तो फंदा तो यहाँ से लगता है, सुशांत के यहाँ से ये टूटा हुआ था और रस्सी से इस तरह से उसको खसके मतलब गला दबाया है कि मतलब मैं खुद मेरे आंसू आने लगे उसको देख के, मतलब चेहरे पे स्माइल, मुस्कुराता हुआ चेहरा, वही जो हमेशा स्क्रीन में हम देखते रहते हैं वैसे चेहरा था। रिया पास में खड़ी और रिया कहती है चेस्ट पे हार के, सॉरी बाबू। तो मुझे एक बार क्यों पहले ही हुआ था कि वहाँ मुझे बताया था सूरज सिंह ने कि सुशांत की फैमिली उसको आना नहीं देती, वो नहीं चाहती कि रिया यहाँ पे आए। उसके बाद में ये जब वो सॉरी बाबू बोला उसने, रिया ने, तो मुझे लगा अरे सॉरी क्यों बोल रही है यहाँ पे। क्या मोचरी के अंदर रिया आपके साथ थी और उसने सुशांत के शव पे हाथ रखा, सॉरी बोल उसने बोला, सॉरी बाबू चेस्ट पे बोला, सॉरी बाबू। तो मैं मुझे लगा यार सॉरी क्यों बोल रही है, फिर मैंने इतना ध्यान दिया नहीं, मैंने ठीक है सॉरी बोला है, लेकिन मैंने उसको मेरे दिमाग में रखा सॉरी वर्ड को। फिर मैंने कहा चलो उसके मैं भी हाथ पैर में हाथ लगकर उसको नमन तो किया जाए। फिर मैंने उसके पैर हटाए, पैर का जो पर्दा हटाया, हटा के मैंने नमन किया और फिर हम बाहर आ गए थे।
बाहर आने के बाद में और वहाँ पे रिया ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला उसने, बस चुपचाप वो बाहर आ गए। आने के बाद में हमने रिया के चेहरे पे कोई ऐसा दुख आपने देखा हो कि क्योंकि सुशांत लगा रखी थी दुख का, तो मैं क्या बताऊँ कि गर्लफ्रेंड रही है तो दुख भी होगा, वो तो है ही। आंखों में आंसू या कुछ इस तरीके से ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। वो मास्क पहन रखा था और दुपट्टा भी पहन रखा था उसने, और मैं तो पकड़ के लेके गया सब। वो होने के बाद हम बाहर आए, आने के बाद उसने कहा मम्मी भी जाना चाहती है, भाई भी जाना चाहता है, तो मोर्ची वाले ने मना कर दिया कि नहीं नहीं आप दो ही गए ठीक है, अब नहीं ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो जाने के बाद में रिया चली गई, मैं वहाँ रुका और सूरज सिंह जी भी रुके हुए थे। बारिश बहुत तेज़ थी और मेरी गाड़ी थोड़ी दूर थी, तो मैं सोचा बारिश कम होने के बाद मैं चला जाऊँगा यार, अभी थोड़ा टाइम है कि 3:30-4 बजे के आसपास शायद पवन हंस में बॉडी जाने वाली थी। थोड़ी सी देर बाद में वहाँ पे संदीप सिंह आता है, मैंने पहली बार संदीप सिंह को वहाँ पे देखा था। वो आता है अपने 3-4 दोस्तों के साथ आता है, मतलब इस तरह का आता है कि सारा चार्ज उसी के हाथ में था। पेपर भी लेके आता है, बीएमसी के पेपर लेके आता है, पोस्टमार्टम का सारा पता नहीं किस किस पेपर लेके आता है वो। जब आया था तो हम वहाँ खड़े थे, तो मैं सूरज सिंह खड़े थे, तो मैंने सूरज सिंह को पूछा कि कौन है, बोला सुशांत का दोस्त है और साथ में रहते थे ये। मैंने कहा चलो ठीक है। और संदीप सिंह को मेरे बारे में उन्होंने सूरज सिंह ने बताया, बोला एक सुरजीत सिंह राठौड़ है, प्रोड्यूसर है और करनी सेना के पदाधिकारी हैं। तो बोला अच्छा ठीक है ठीक है। ये सुन के बंदा भाग गया, वापस चला गया। चला जाने के बाद में वो वापस आता है, एम्बुलेंस लेके आता है, एक बड़ी एम्बुलेंस, बड़ी एम्बुलेंस लेके आया, आके वहाँ खड़ा रहता है, इधर उधर फ़ोन की करना रहता है, वापस आना उसका लगा रहता है। आधे पौन घंटे बाद में 3-स्टार ऑफिसर आता है, जैसे ऑफिस रात में ऐसे सामने बैठा था कुपरे हॉस्पिटल में वहाँ पे मोचरी हाउस में, तो मैंने उनको नमस्कार भी किया, तो उन्होंने मेरे को नमस्कार किया और हम वो प्रक्रिया चल रही थी डॉक्यूमेंट कार्रवाई की, यार दोस्त सब कर रहे थे, सब मोचरी में रखा हुआ था। अब ये था कि अभी उसको निकाल के जाना ही है हमें सब एम्बुलेंस में लेके। उसके बाद मैं वहाँ खड़ा था, अब उसने ऑफिसर को पहले सिखा के आया, मुझे पता नहीं क्या हुआ। रुकने के बाद हम खड़े थे, बातचीत में मेरे फ़ोन पर बात कर रहा था कि मेरे यार दोस्त करनी सेना पदाधिकारियों को कॉल वगैरह आ रहे थे उस टाइम, तो सब पूछ रहे थे सुशांत के लिए कि क्यों किया, तो मैं बात करा। जैसे मैंने कॉल कट किया तो सूरज सिंह मेरे साथ खड़े थे, संदीप सिंह खड़ा था, पुलिस ऑफिसर खड़े थे, मैं खड़ा था, मैं ऐसे खड़ा था, ये बातें कर रहे हैं। तो वो दुबई के बारे में बातचीत कर रहा था, दुबई के बारे में क्या बातचीत कर रहा, ये कह रहा कि दुबई से फ़ोन आया था रात को, ये बात इतना बोलने के बाद में जैसे मैंने ऐसे किया तो उसको पता लगे ये सुन रहे हैं मेरी बात, क्योंकि उसको पहले पता था ये करनी सेना के पदाधिकारी हैं और सुन रहे हैं। तो उसने इशारा किया ऑफिसर की तरफ कि इनको आउट किया जाए यहाँ से, इनको यहाँ मत रखिए, ऐसा इशारा किया। तो ऑफिसर मुझे कहता है कि आप कौन हैं, मैंने कहा कौन मतलब, आप अभी ये आपको इशारा कर आप बोलो कौन है, तो मैं सर मैं करनी सेना पदाधिकारी हूँ। आप सूरज सिंह जी पूछिए, सूरज सिंह ने बताया कि करनी सेना पदाधिकारी नीरज सिंह जी से इनकी बात हुई, उनको बात होने के बाद ये आए हैं और हम तो राजपूत है, मेरा भाई राजपूत है जो उसकी डेथ हुई है, और करनी सेना तो आपको पता है तो मैं उसका पदाधिकारी हूँ और मैं खुद ही फिल्म इंडस्ट्री से हूँ। तो बोला नहीं नहीं आप यहाँ चले जाए, हम क्राइम ब्रांच से हूँ मैं और हमारा काम है यहाँ पर, ये आपको यहाँ नहीं चाहिए, इन्वॉल्व नहीं है। वो उन्होंने मेरे से बदतमीजी से बात की, तो मैंने कहा चलो ठीक है यहाँ से जाना अच्छा है। मैंने सोचा वहाँ यहाँ से अपन पवन हंस चलते हैं, वहाँ जैसे अंतिम संस्कार होता है मैं उसकी फैमिली से भी मिल लूँगा, नीरज सिंह जी उनके फादर आए तो मैं सबसे मिल लूँगा। तो वहाँ पर जब मैं गया, क्या पता संदीप सिंह ने वहाँ पर मेरी गाड़ी के नंबर नोट की हो या मुझे देख के बोल दे भाई फ़ोटो भेज दियो किसी लोगों को कि इनको इन अंदर मत आने देना। वहाँ पे मुझे पहले रोक लिया जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों जी, बोला लिस्ट में आपका नाम नहीं है। मैंने कहा नाम नहीं है ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो उनके ब्रदर से मेरी बात हुई है, करनी से ना कहूँ मेरी गाड़ी का नेम प्लेट सब लिखा हुआ है, आप ऐसा मुझे जाने नहीं दे रहे। बोला नहीं नहीं आपको नहीं जाने देंगे, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तो वहाँ पर कुछ जू पुलिस स्टेशन के थे तो वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने ठीक है। मैं ये कहूँगा कहीं ना कहीं सारे पुलिस वाले गलत नहीं होते, कुछ पुलिस वाले गलत भी होते हैं। तो मैंने उनका मान सम्मान रखा, मैंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। मैं वहाँ चला आया क्योंकि बारिश इतना थी, बाहर खड़ा रहना गाड़ी में से भीजना, तो मैं बाहर आ गया था। उस वक्त जब रिया चक्रवर्ती मॉर्चरी में पहुँची थी तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के शव को जो है वो छुआ और सॉरी कहा, साथ ही संदीप सिंह पर जो है वो बड़े आरोप लगा रहे हैं सुरजीत सिंह राठौर। उनका कहना है कि बाहर वो किसी दुबई के शख्स से बात कर रहे थे और इन्होंने जब ये पाया कि वो कुछ गैर वाजिब बात कर रहे हैं तो इन्हें वहाँ से बाहर
पुलिस की मदद से बाहर जाने को कहा गया। और जो शव इन्होंने देखा है, शव को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये आत्महत्या की गई होगी। इनका शक है और आरोप है कि ये हत्या है, और संदीप सिंह जो है वो इस मामले में एक बड़ा साजिशकर्ता हो सकता है, ऐसा सुरजीत सिंह राठौड़ का आरोप है। कैमरा में राजेश हेलगांवकर के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।